नमस्कार दोस्तों, सेलजन बायोटेक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जाएंगे कि कैसे टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके टिश्यू कल्चर का प्लांट्स जो है हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको लेकर के आए हैं फिग यानी अंजीर के मदर प्लांट सेक्टर में। फिग बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका पूरे विश्व में काफ़ी डिमांड रहती है। एक अपने ही किस्म की ये ड्राई फ्रूट्स है जो कि पूरे विश्व में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी कुछ लोकप्रिय किस्म के पौधे हैं जो कि हमारे द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सोर्स किए गए हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख वैरायटी डायना फिग, ब्राउन टर्की, ब्राज़ील पिंक एंड शिकागो हार्डी। ये हमारे द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सोर्सिंग करके हमारे मदर प्लांट्स एरिया में लगाया गया है। आज हम उसी मदर प्लांट एरिया में हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपको पूरी टेक्नोलॉजी को एलोबरेट करेंगे कि किस तरह से हम लोग टिश्यू कल्चर प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं। आज हम जिस पौधे के पास खड़े हुए हैं, ये पौधा लगभग 2-2.5 साल पुराना है और इस पौधे को जो है हमारा टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से ही तैयार करके हमने इसको तैयार किया था और इसमें अब काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं आ रही है। और ये वैरायटी है शिकागो हार्डी। तो शिकागो हार्डी में हम लोग आपको बताएंगे किस तरह से हम इसके एक्सप्लांट लेकर के लेबोरेटरी में लेकर के जाते हैं। सर्वप्रथम हम सेमी मैच्योर एक्सप्लांट लेंगे जिसको स्टरलाइज वाटर में डिप करेंगे और इससे ही हम इनिशिएशन प्रोसेस करेंगे जो कि हमारी लेबोरेटरी में होगी जो कि लेमिनार के थ्रू होती है। हम इसको ले जाएंगे, फंगीसाइड में डिप करेंगे और कुछ स्टरलाइज प्रोसेस होती है, सरफेस स्टरलाइजेशन, उसको प्रोसेस को पूरा बताएंगे। ये स्टरलाइज वाटर है, ब्राउन टर्की। ब्राउन टर्की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसकी कॉमर्शियल काफ़ी अच्छी वैल्यू है मार्केट में। तीसरी जो वैरायटी है हमारी, दैट इज डायना फिग। डायना फिग भी इंटरनेशनली काफ़ी डिमांड है, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसका जो फिग का यूज है इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज किया जाता है। इसके बाद हमारी जो चौथी वैरायटी है, दैट इज ब्राज़ील पिंक। ब्राज़ील पिंक जो वैरायटी है ये इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही है। इसका फ्रूट साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है और जो कुछ हमारे इंडिया के रीजन्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होने के कारण पिक सर्वाइव नहीं करता या ड्राइनेस होने के कारण कम ह्यूमिडिटी, वहाँ पे भी ये वैरायटी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो अब हम आपको ले चलेंगे सीधे लेबोरेटरी में जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इनिशिएशन प्रोसेस करके फिग को टिश्यू कल्चर में डेवलप करने के बाद इसको, जैसा कि अभी आपने देखा हम लोग फिग की 4 वैराइटीज को लैब में लेकर के आए हैं। इसको लैब में सॉइल एरिया के अंदर ले जाने से पहले इसको सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है। सरफेस स्टरलाइजेशन की एक पूरी प्रोसेस है, वो हमारे साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है। हमारे पास अंजीर की 4 वैराइटी हैं, ब्राज़ील पिंक, डायना, शिकागो हार्डी और ब्राउन टर्की। हम इसको अंदर ले जाने से पहले फंगीसाइड में ट्रीट करते हैं। फंगीसाइड के साथ साथ बफर सॉल्यूशन होता है, 220 होता है और स्टरलाइज वाटर होता है, जिसमें कि हम अच्छे से ट्रीट और रिंस करने के बाद अंदर ले जाते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, सभी को अलग अलग टाइमिंग पे हम उनको ट्रीट करते हैं। आइए लेबोरेटरी के अंदर ले जाके आपको बताते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जाने से पहले हमारे पास ये यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट के थ्रू हम पास करते हैं इसको। जैसे कि हम पास बॉक्स से हमारा अंजीर के लिए जो एक्सप्लांट थे उनको ले आए, जो हमारी 4 वैरायटी थी, शिकागो हार्डी, टर्की ब्राउन और ब्राज़ील फिंक और डायना। हम आपको बताते हैं कि हम आगे की प्रोसेस कैसे करते हैं। हम IPA, सोडियम हाइपो और HGCl से इसका ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद इनको इनोकुलेशन करते हैं। आइए आपको इसका वाटर से जो रिंस करते हैं उसकी प्रोसेस और इनोकुलेशन की प्रोसेस बताते हैं। अंजीर का हम एक्सप्लांट को कटिंग करेंगे, उसके बाद इसको मीडिया में इनोकुलेट करेंगे। हमारी जो 4 वैरायटी है, चारों वैरायटी का सेम प्रोसेस होता है जो आपको बता रहे हैं। कटिंग के लिए टॉप और साइड और बॉटम तीनों जगह से क्रॉस कटिंग करेंगे और इसमें क्या है कि फिनोलिक्स आने का बहुत
चांसेस होता है, तो इसलिए प्रॉपर ट्रीट होने के बाद ही आप इनोकुलेशन करेंगे। और इसको ड्राई होने में कम से कम आधा घंटा लगता है, जब तक प्रॉपर ड्राई नहीं होगा तब तक इसका इनोकुलेशन में फिनोलिक्स नहीं आएगा। अभी हमारा कटिंग हो गया है, कटिंग होने के बाद हम इसको मीडिया में इनोकुलेशन करेंगे और इसको एक मंथ के लिए हमारे ग्रोथ रूम में रखेंगे और वहाँ पर हम ग्रोथ देखेंगे। हमारे चारों वेराइटी का सेम यही प्रोसेस होता है। अंजीर की का जो हमने इनिशिएशन किया था उसको एक मंथ बाद देखेंगे, तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है जो हमारी चारों वेराइटी शिकागो हार्डी, डायना, ब्राज़ील फिंक और ब्राउन टर्की। काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई हुई है, देख सकते हैं आप। अब इसमें इसको अब हम जो है मल्टी और रूटी के लिए ले जाएंगे, फिर आपको एक महीने में अपडेट करते हैं कि उनके क्या रिजल्ट रहे। आज मल्टी और रूटी की हुए एक महीना हो चुका है, सर बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस है, सर बताइए जरा। हमारा मल्टी चार ही जो वेराइटी है, ब्राउन टर्की, डायना, ब्राज़ील पिंक, शिकागो हार्डी, काफ़ी अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में जितना हेल्दी प्लांट होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही रूटिंग में वो स्पॉन्ड करेगा और जितने नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हम इससे तैयार कर सकेंगे। दिस वॉज द बेनिफिट फॉर गुड मल्टीप्लीकेशन रेशो। इसी प्रकार जो हमने एक महीने पहले इसको चारकोल मीडिया में ट्रीट करके इसको रूटिंग के लिए रखा था, तो वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रूट्स जो है आ रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे हेल्दी रूट्स जो है ये ब्राज़ील पिंक में दिख रहा है, नीचे कितना अच्छा रूट जोन डेवलप हुआ है। और ऐसे प्लांट को जब प्राइमरी हार्डनिंग में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी सर्वाइवल रेशो बहुत अच्छा मिलेगा हमको। तो अब हम आपको ले चलते हैं प्राइमरी हार्डनिंग में कि कैसे इन प्लांट्स को प्राइमरी हार्डनिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है। जी, हमारे जो अंदर हमने रूटिंग प्लांट जो रेडी हो गए हैं प्राइमरी हार्डनिंग के लिए, वो आने लगे हैं, जो कि यहाँ रखा जाता है और यहाँ से प्लांट वॉशिंग होता है, उसके बाद ग्रीडिंग टेबल लगी हुई, ग्रीडिंग टेबल से प्लांट निकल के हम वॉश करके ट्रीट करके इनको ले जाते हैं। वो प्लांट वॉशिंग हो रहा है जिसके लिए हम आरओ वाटर यूज़ करते हैं, आरओ वाटर में अच्छे से वॉश करके जिससे कि अगार निकल जाए। अगार निकलने के बाद हम उसको बेविस्टिन में डीप करते हैं, बेविस्टिन में डीप करके चारकोल ट्रीट करते हैं। रूट काफ़ी अच्छा बना है, रूट जोन अभी इनको हम प्राइमरी हार्डनिंग प्लांटिंग के लिए ले जाएंगे। लेबोरेटरी से जो फिक के प्लांट आए थे उनको प्लांटिंग कर रहे हैं हम पीट मॉस में। इस पीट मॉस में एक मंथ के लिए रखेंगे, जो कि हम टनल में रखते हैं। एक मंथ के बाद जब प्लांट हमारे ऐसे हो जाते हैं तब इनको हम सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए ले जाते हैं प्लांट को, जो वहाँ पर एक मंथ का प्लांट है। आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलप हो चुका है, रूट्स भी बाहर आने लगी हैं इसमें। काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। तो ये हमारा जो है फिक्का प्लांट है जो हमने लेबोरेटरी में डेवलप किया और उसको अब हम सेकेंडरी में तैयार करके फार्मर्स को, कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये हमारे पास डीना वैरायटी है, शिकागो हार्डी है, ब्राउन टर्की ब्राउन है। तो ये वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं आज की डेट में, इनका बहुत डिमांड है।
और ये हेल्दी प्लांट्स टिश्यू कल्चर प्लांट्स के रूप में आपके लिए है। तो दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट महोदय द्वारा आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया कि कैसे एक्स प्लांट को टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के अंदर लाया जाता है और कैसे उस टिश्यू कल्चर प्लांट को तैयार किया जाता है। इस पूरी तकनीकी को इस्तेमाल करके हम प्लांट फाइनली किसान को बेचने योग्य बनाते हैं। इतना प्रयत्न हमको करना पड़ता है तब जाकर के प्लांट हमारा तैयार होता है। इसी प्रकार जो है फिग की कुछ वेराइटीज़ हैं, शिकागो हार्डी, ब्राउन टर्की, डीना और ब्राज़ीलियन पिंक, ये भी हमारे द्वारा US से इम्पोर्ट की गई हैं और हम शीघ्र ही इनके प्लांट्स आपको उपलब्ध कराएंगे हमारी लैबोरेटरी के माध्यम से। इसी प्रकार हम लोग निरंतर रूप से नई नई वैरायटियों पर काम कर रहे हैं जिससे कि किसानों को अच्छी वैरायटीज़ उपलब्ध हो सकें। तो मेरा सुझाव है किसानों को टिश्यू कल्चर प्लांट्स लगाना चाहिए। टिश्यू कल्चर प्लांट्स की विशेषताएं ये हैं कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स 100% डिसीज़ फ्री वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट्स एक मदर प्लांट, सिलेक्टेड मदर प्लांट जिसको सिलेक्शन करते हैं मदर प्लांट्स का, 1000 मदर प्लांट्स, 500 मदर प्लांट्स हमारे पास ऑर्चर्ड्स में हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर मदर प्लांट्स हम सिलेक्ट करते हैं। उस सिलेक्टेड मदर प्लांट से हम मिलियंस प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब किसी फार्मर्स को जब कोई ऑर्चर्ड लगाएगा तो उसको जो 1000, 500, 2000, 3000 पौधों का जब वो ऑर्चर्ड लगाता है तो उसको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म होते हैं प्लांट्स, जेनेटिकली प्योर होते हैं, एक से कैरेक्टर्स जो उनकी मदर होती है और जो उसके सारे कैरेक्टर्स उन प्लांट्स में सेम आने के कारण उनको जो एक पेड़ में यील्ड मिलती है वैसे ही उस सारे बगीचे से उसको यील्ड प्राप्त होती है। ना प्रोडक्शन में कमी आती है, ना प्रोडक्शन कहीं एक्सेस प्रोडक्शन भी नहीं आता। प्लांट के अंदर जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म रहता है। प्लांट्स के अंदर जो सीड्स का लेवल है, अगर कोई प्लांट सीडलेस है दैट मीन्स पूरा ऑर्चर्ड उसका सीडलेस रहे, इसी प्रकार प्लांट्स का टेस्ट यूनिफॉर्म रहता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं फार्मर्स को कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स लगाएं और इनसे ये फैसिलिटी विशेषताएं जो है फार्मर्स को डेवलप होती हैं। और इसके अलावा किसान को जल्दी से जल्दी प्लांट्स की कैनोपी बहुत अच्छी डेवलप होती है, प्लांट्स जल्दी डेवलप हो जाता है। 2-3 साल में जो है आप फार्मर्स उससे कॉमर्शियली यील्ड लेना शुरू कर सकता है और प्लांट का जो किसान का जो ऑर्चर्ड है वो कम ही ड्यूरेशन में काफ़ी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हमारा सजेशन है फार्मर्स से कि टिश्यू कल्चर के पौधे अपनाएं और उनको लगाएं। इसके अलावा किन किसानों को अगर प्लांट्स चाहिए तो उनकी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए अपनी कोई समस्या के लिए आप हमको हमारे ऑफिशियल ईमेल info@selginbiotech.com पर मेल लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425436112 जो कि डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, उस पर आप जो है आपका व्हाट्सएप से मैसेज हमको भेज सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी डिमांड है, वो हम पूरे इसके थ्रू नीड्स पूरी करेंगे। तो सेल्जिन में आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद, और आगे हम ऐसी जानकारी वर्धक सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे जो हमारे लैबोरेटरी के अंदर इन हाउस काम चलता है उसका पूरा का पूरा किसानों को बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी प्लांट्स तैयार करती है और किस परिस्थिति में प्लांट्स तैयार कर जा करके किसानों को लगाने योग्य बनाया जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।